हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर चैनल 5 पे आपका स्वागत है। क्रिकेट की बातों में, रोचक मनोरंजक बातों में, भारत और पाकिस्तान के बीच ICC वर्ल्ड कप 1992 चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो सिडनी के अंदर मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में हमेशा जीत हासिल की है, आज तक कभी नहीं हारा। ये एक अनब्रोकन रिकॉर्ड है आज तक का। पाकिस्तान आज 35 साल के बाद भी, 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड के अंदर, आज तक 35 सालों में कभी भी पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप के किसी आपसी मैच में बीट नहीं किया है, हमेशा हारा है। खैर, ये 1992 के मैच में बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ हुआ। इसमें जावेद मियांदाद जो ग्रेट प्लेयर थे पाकिस्तान के, और इंडिया की ओर से विकेट कीपर थे किरण मोरे, और साथ में सचिन तेंदुलकर भी थे, मैं आपको बताऊँ उस मैच में। तो किरण मोरे जो विकेट कीपर थे, वो लगातार मियांदाद के खिलाफ अपील कर रहे थे, जो कि मियांदाद को पसंद नहीं आ रहा था। अब हुआ ये कि जब पसंद नहीं आया तो तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे, उस बात पे थोड़ा सा बॉल को उन्होंने मिड ऑफ पे पुश किया, लेकिन बॉल नज़दीक थी, मियांदाद रन लेने के लिए भागे और तुरंत वापस भी आ गए, और क्योंकि फील्डर के पास बॉल आ चुकी थी और उन्होंने फट से बॉल किरण मोरे के पास वापस दी। किरण मोरे ने तुरंत उनकी विकेट की गिल्लियाँ उड़ा दी। जब गिल्लियाँ उड़ा दी तो इस पर मियांदाद को आया बहुत गुस्सा, और गुस्सा आया तो उन्होंने अपने फील्ड के विकेट के पीछे खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से जंप मारना शुरू किया फ्रॉक की तरफ, और काफ़ी देर तक जंप मारते रहे और नाराज़ हो गए। और इसके बाद एक बड़ा एक मज़ेदार सीन बन गया। जावेद मियांदाद वैसे भी कुछ ना कुछ तो करते रहते थे, तो ये इस तरह कूद फांद के उन्होंने मोरे को चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये चीज़ें कामयाब बात पे नहीं हो पाई और मियांदाद जो है टीम को जिता नहीं पाए और भारत से 43 रन से मुकाबला हार गए। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था वहाँ पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था 1992 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान मैच के अंदर। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।